हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपना यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो यहाँ पे समय 10:30 बजने वाले हैं और बच्चे जा रहे हैं आज स्कूल। तो स्कूल में उन्हें कोई फ़ोटो वगैरह उतरवानी थी, स्कूल में कोई फॉर्म वगैरह के लिए ही चाहिए थी। तो काम मेरा यहाँ पर हो चुका था सारा, खाना वाना सब ने खा सब खा चुके थे और बस बर्तन बचे हुए हैं और झाड़ू पोछा हो चुके हैं सब साफ, लेकिन किचन किचन बाकी है मेरी। तो अब मैं बस करके काम यहाँ पे लग चुकी थी और फिर एक बार जाना मेरे को सब्जी वगैरह लेने सब्जी मंडी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे काम निपटा देती हूँ, बाकी सबका नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। बच्चों को जैसे स्कूल में जाना था तो उनका पहले ही हो चुका था और जो बचे हुए हैं उनका अब चल रहा है हाल फिलहाल। सिर्फ मैं बचती हूँ फिर, तो फिर मैं बाद में देखती हूँ। और बच्चे आज बस होली के बाद अब आज ही गए हैं स्कूल में, वैसे तो वैसे ड्रेस वगैरह पहन के, तो वरना स्कूल में जाते रहते हैं या हफ्ते में तो एक बार बुला ही लेते हैं, क्योंकि जो होमवर्क वगैरह देते हैं उनको सबमिट करवाने, फिर वो उनकी नोटबुक वापस लेके आने। और वैसे तो यहाँ पे स्कूल बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं दादरी में भी और आसपास भी, जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चों के अभी स्कूल बंद ही हैं क्योंकि घर वाले भी सब संतुष्ट हैं इस बात से। और पूछ भी लिया था घर वालों को बुलाकर भी, तो किसी ने ये कहा नहीं कि हाँ स्कूल खोलो, क्योंकि उनकी पढ़ाई जो कितों चल रही है, कोई भी रुकावट नहीं आई। उसी तरह से सुबह से क्लास शुरू हो जाती हैं और शाम तक यानी कि 1 बजे तक क्लास चलती है इनकी, तो कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं इनकी क्लास में या इनकी पढ़ाई में। वैसे के वैसे इनके यूटी होते हैं, टेस्ट वगैरह सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। तो पेरेंट्स बुलाए थे तो उन्होंने भी यही कहा कि कोई दिक्कत नहीं है हमें, तब तक बीमारी का ये खौफ है तो तब तक देखो हम रिस्क नहीं ले सकते। और सच भी है, कैसे लें घर वाले, क्योंकि हर रोज़ हमारे यहाँ दादरी में भी हर रोज़ कभी 10 कभी 5 कभी 11 कभी 25 यानी इतने इतने केस हर रोज़ मिल रहे हैं। तो बीमारी अभी ऐसा तो है नहीं कि ख़त्म हो चुकी है। और फिर मैं अभी नहाई भी नहीं थी तब तक बच्चे वापस आ गए थे, क्योंकि थोड़ी देर का ही काम था वहाँ पे उन्हें, तो आते ही पिंटू ने धोना था सिर, तो सिर उसके लिए आज मैं छोटी सी ये टहनी काटी थी एलोवेरा की। तो ये तो आपको भी पता है कि इसके कितने फ़ायदे हैं, छोटी सी चीज़ है और फ़ायदे इसके अनेक हैं। तो इसी से आज मैं इसका सिर धोने वाली थी, तो बस छोटी सी टहनी काट के मैं यहाँ पे बैठ चुकी थी। एक मैंने ले ली थी कटोरी, तो इसका या तो पल्प निकाल के भी इसको मिक्सी में चला के इसका जेल बना सकते हो, लेकिन मैं इसको धीरे धीरे से या तो किसी चक्कू से चम्मच से या फिर इसी के छिलके से भी इसको ऐसे घिसते जाऊंगी तो इसका सारा पल्प निकल के बाहर आ जाएगा जेल टाइप। और फिर इसमें थोड़ा सा मैं तेल डाल के और इसके सिर में लगा दूंगी, तो बहुत अच्छा तो सिर धुलता है, एकदम सिल्की बाल हो जाते हैं इससे और काले होते हैं, लंबे होते हैं, ये तो सबको पता है, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ये सिर के लिए। तो और जब हमारे घर में ये चीज़ है जिसके इतने गुण इतने फ़ायदे, तो उसको तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, फिर वो तो ले ही सकते हैं। वैसे हर रोज़ तो नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार उसको मैं यूज़ इसको सिर के लिए करती ही करती हूँ। तो ये देखिए छोटी सी टहनी थी, उसके अंदर कितना सारा ये जेल निकल के आया था। और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया था कोकोनट ऑयल, इनको मिक्स करके फिर मैं इसके सिर में लगा दूँगी, तो बहुत अच्छा सिर भी निखर जाएगा इसका और डैंड्रफ वगैरह नहीं होंगे। और बस बहुत सारे गुण हैं इसके, अगर घर में आते तो इसका फ़ायदा मैं तो यही कहूँगी कि लेना चाहिए। बहुत से इसको चेहरे पे भी लगाते हैं, लेकिन हम वो तो नहीं लगाते, लेकिन हाँ सिर ज़रूर धोते हैं इसका। फिर उसके सिर में लगाने के बाद मैं नहाना धोना हुआ मेरा, फिर वो लगी थी सिर धोने पिंटू, फिर मैं चली गई थी सब्जी मंडी क्योंकि मेरे को सब्जी ले कर आनी थी। और अब की बार सब्जी मैं ले कर आई हूँ शायद 2 हफ्ते बाद, तो बस ऐसे ही काम चलाती रही। कभी कोई यहाँ पे आ गया गेट के ऊपर सब्जी वाला, उससे ले ली, तो आज मैं बाहर चली गई थी सब्जी लेने। तो बस फिर थोड़ी देर के लिए घंटे 1.5 घंटे के लिए उसको रख दिया था मैंने बाहर, और अब इसको धो के और सूखने तक ही रखूँगी, फिर मैं इनको कर दूँगी सेट फ्रिज में।
और समय उसका 5:30 बजने वाले हैं, क्योंकि बस धूप यहाँ से चली गई है और भी जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे ही अपना काम निपटाने लग गई थी। और पहले बाहर रख ही चुकी हूँ, आप रख देंगे इसको सीधा फ्रिज में धोने के बाद। और रेट का तो आप पूछो ही मत, सब्जी आप सबको पता है, आप सब लेके आते हो घर में बनाते हो तो ये पता ही है आपको। तो कोई भी चीज़ आलू और लौकी होती थी जो सस्ती होती थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं लेके आई थी गोभी, लेके आई थी गाजर और शिमला मिर्च और तोरी थी और टमाटर वगैरह। हाँ भिंडी थी, भिंडी हल्की बहुत, और सब्जी से को देखते हुए तो भिंडी थोड़ी सी ठीक ही थी। और यहाँ पे माँ लगी हुई थी, जो कचरी हमने सुखा के रखी हुई थी उनको एक बार साफ करके ऐसे हाथों से मसल मसल के और इस टोकरी में डाल देगी, और फिर ये या पूरे सीजन यानी सर्दी में हमें काम आएंगी। सारी चटनी बनाएंगे बाजरा की रोटी के साथ, इसको यूज करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एप्पल लेके बैठ गई थी नीशू, और मैं बस यहीं पे चक्कू वगैरह लेने गई थी क्योंकि मेरे को काट दी थी सब्जी। लेकिन उससे पहले ही बोली मम ये खा लेते हैं पहले, तो ये एप्पल कटर मैं लेके आई थी 10 रुपए का, लेकिन इसमें ताकत बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है, बहुत दिक्कत से कटता है, लेकिन बच्चे काट लेते हैं, मैं तो नहीं काटती इसे। तो सब्जी मेरी धुल चुकी थी, यहाँ पे बैठ गए थे एप्पल लेके, और बस मैं यही बोल रही थी कि एक पीस मैंने उठाया था और तब तक चारों तरफ से आ गए और एक 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 पीस उठा लिया, तो ऐसे नाम ही किया ना मम्मी आपने एक सेब खा लिया, तो बोली नहीं अब की बार मैं आपको लेके आके देती हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा सेब खाती भी नहीं, मेरे को अच्छे भी नहीं लगते, 2 या 3 पीस खा सकती हूँ बस, और वो भी मैं छील के खाती हूँ, बाकी बच्चे ऐसे ही खा लेते, कोई नहीं छीलता, लेकिन मैं यहाँ पे बस उनको छील के ही खाती हूँ। और बस चक्कू वगैरह जो अपना ताम जाम होता है वो मैं यहाँ पे लेके बैठ चुकी थी क्योंकि मेरे को सब्जी काटनी थी अब। और बस पिंटू से मैं यही कर रही थी कि सब्जी पकड़ा दे, सब्जी बना रही थी आलू की और गोभी की, तो गोभी बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते इसलिए आलू ज़्यादा डाल रही थी, और गोभी का बस एक ही फूल था मेरे पास, तो ये एक एक दो दो जो किसी के पास पीस जाएंगे तो ऐसे ही हो जाएगा पूरा, वरना गोभी नहीं खाते हैं बच्चे। हाँ दो लोग हैं हमारे घर में जिनकी फेवरेट है गोभी, एक मैं और एक ये, हम दोनों को है पसंद, और बच्चे खाते हैं तो फिर इनको इनकी छटनी ही करते हैं, गोभी अलग, आलू अलग, टमाटर अलग। तो बस कभी कभी हम अपनी पसंद की भी देखो बना ही लेते हैं, और बनानी भी चाहिए, और वैसे तो कोई खास पसंद पसंद किसी की चलती नहीं है। और यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था मेरे पास माँ का, और माँ ना रही थी तो माँ के फ़ोन पे ही फ़ोन आ चुका था इसकी बुआ जी का, तो बस मैं उसी से यहाँ पे बात करने लगी थी, और तब तक माँ ना के बाहर आ चुकी थी। और फिर इसके साथ साथ ये 2-3 पीस बच चुके थे इसके एप्पल के, तो फिर मैंने जो वेजिटेबल कटर होता है वो मंगवाया, और उससे बिल्कुल बारीक बारीक से आधा सेब मैंने इसमें कटवा लिया था, और एक मैं लेके आई थी अमरूद, तो आधा अमरूद कटवा लिया था। और मीशू यही बोल रही थी कि मम्मी आप एक अमरूद कैसे लेके आए, मैं लेके नहीं आई, ये पता नहीं कैसे उसी से गलती से चढ़ गया, शिमला मिर्च के पास रखा था और उसी में आ गया था, तो अब उसको मैं यूज कर लूँगी। यहाँ पे दही ले ली थी मैंने, और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी, यानी कि बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं, जैसे रायते के लिए करते हैं बिल्कुल वही, क्योंकि मैं रायता ही बनाने वाली हूँ। एप्पल और छोटा सा मेरे पास अमरूद था, बिल्कुल मैं वो दिखाऊं भी आपको, और उसमें से भी मैंने आधा ही लिया था, तो बस देखते हैं बच्चे खाते हैं या नहीं। लेकिन भैया ना इसके अंदर मैंने डाल दी थी खांड 1 चम्मच के करीब, और खांड डालने के बाद बच्चे खा लेंगे, और खांड डालने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी चाट मसाला आधा छोटा चम्मच के करीब, और फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी जीरा पाउडर जो रेडीमेड आता है वो, और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी रायता मसाला,
रायता मसाला मेरे पास रखा हुआ था, अगर ना हो तो कोई भी ज़रूरी नहीं है। और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी सेंधा नमक। तो सेंधा नमक इसके अंदर मैंने 2-3 दिन पहले ही डाला था तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब ये कि जम चुका था ये, तो इसको हाथ से मैं फोड़ फोड़ के, क्योंकि दही मेरी बिल्कुल ठंडी है तो इसके अंदर ज़्यादा जल्दी वो पिघल नहीं सकता, तो इसको फोड़ के मैं थोड़ा सा डाल दूँगी इसके अंदर सेंधा नमक, और 2 चुटकी भर के डाल दूँगी इसके अंदर मैं काली मिर्च पाउडर। तो काली मिर्च पाउडर इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से बन के रायता ये तैयार हो जाता है। तो बस एक ही कटोरी बना रही हूँ, बच्चे खाएं ना खाएं अभी पता नहीं है, क्योंकि पहली बार बना रही थी। एक बार इससे पहले बनाया था, उसमें डाले थे मैंने अनार के दाने, तो वो बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था और खा भी लेते हैं बच्चे, लेकिन देखते हैं आज खाते हैं तो फिर कभी, क्योंकि अब इस मौसम में सेब ही सेब हैं, सेब तो चलते रहेंगे, और रायता तो वैसे होता ही अपने आप में ही हेल्दी है। तो ये सारी चीज़ डाल के इनको मैं कर लूँगी मिक्स, और थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्यों थोड़ा बहुत तो तीखा होना बहुत ज़रूरी है इसकी है। और लास्ट में इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा जो भुना हुआ जीरा, जो हम अपने आप तवे पर भूनते हैं काला जीरा, उसका पाउडर, वो थोड़ा सा गार्निश के लिए ही डालूँगी ऊपर से, क्योंकि जीरा पाउडर मैं इसके अंदर पहले से ही डाल चुकी थी। तो यहाँ पे ये डाल ले लिए थे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कटे हुए, आधा सेब है ये और आधा ही अमरूद, तो वो इसके अंदर मैं मिक्स कर दूँगी, सारा इसके अंदर मैं डाल दूँगी, कटोरी मेरी ऊपर तक भर जाएगी, और अगर बच्चे खाएंगे तो बस आराम से, मतलब सबके हिस्से में भी ये आ जाएगा। तो सारा दोनों फ्रूट इसके अंदर मैंने डाल के, अब इसको मैं मिला दूँगी अच्छे से, और बस खाने के लिए रेडी। ठंडी दही आई मेरी क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी, और रायता तैयार, सब्जी यहाँ पे काट पीट के मैंने रखी हुई थी, क्योंकि अब उसको मैं अभी साथ साथ में छोंक लूँगी, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है आजकल, तो बस रायता साइड में रख दूँगी तब तक बच्चे खाएंगे। थोड़ा सा डाल दिया था इसके अंदर मैंने जो हम डेली यूज में नमक यूज करते हैं वो वाला, और बस रायता रेडी। अब इसके ऊपर थोड़ी सी डाल दूँगी मैं फिर से गार्निश के लिए लाल मिर्च, ये कलर वाली है, और थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल दूँगी जीरा पाउडर, यानी कि जो भुना हुआ जीरा, काला जीरा होता है हमारा वो वाला। और फिर मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी, यानी कि सब्ज़ी बनाती हूँ पहले, फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो कल मिलते हैं मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।